से सलाम वालेकुम टू एंड अदर व्लॉग देखे गेस्ट करे हमने क्या बनाया है। यस गेस्ट करे सबाइना ने क्या बनाया है। सबाइना क्यों आज इतनी खुश है, क्या वजह है उसके इतने आज खुश होने की, है ना सबाइना? को अच्छा लगता है मामा की हेल्प करा के? हाँ जी, मामा और मैंने दोनों से एक साथ हेल्प की थी और मामा ने कांटा लिया, इसको ऐसे ऐसे किया, फिर इसको बनाया क्रिस्प, थोड़े थोड़े इनकी ये साइड जो है ना कांटे वाली क्रिस्पी बन गई थी। आपको मजा आया कि नहीं आया मेरे साथ कुकिंग करके? बहुत आया, मतलब बहुत 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 बहुत। चले आप लोग रहे हमारे साथ व्लॉग में और आपको पता लगेगा सबाइना ने आज कितनी मेहनत करवाई है। ओके ठीक है, ठीक है। व्हाट इज दिस? मेरा आज ब्लू डे था दोस्तों, तो ना ये मेरी मैम ने मुझे दिया था। ब्लू डे क्या था? ब्लू डे पे, ब्लू डे पे हम सारे ब्लू ब्लू शर्ट और ब्लू ब्लू फ्रॉक पहन कर आए हुए थे बच्चे। ओके आप सारे ब्लू फ्रॉक पहन के आए थे, वर्ल्ड वाटर डे था आज, तभी आप सारे ब्लू ब्लू बन के गए थे। और हमें वर्ल्ड वाटर डे पे पानी सेव करना चाहिए या पानी को वेस्ट करना चाहिए? सेव करना चाहिए। गुड। और हर वक्त पानी में हाथ भी नहीं मारना चाहिए, जो कि बायना भी मारती है ठीक है। और उतना ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए जितना पानी ज़रूरत हो। ओके मैम ने आज बड़ा सा ना वाटर बनाया हुआ था और उस पर ऐसे खाली बनाया हुआ था, तो बच्चों की तस्वीर दे पाई मेरी और यशा और इशाल, इशाल और यशा की पहले हुई थी फिर मेरी हुई थी, इशाल यशा और मैं। अच्छा आप इशाल यशवा। और आज आपने क्या किया, आपकी ब्लू एने कहाँ गई? तो है नहीं, मैं वो तक गिर गई रास्ते में गिर गई। आप मस्तियां कर रही थी बैठे हुए हैं तभी गिर गई। मेरा एक डोरेमोन चम्मच भी ब्लू है और मेरा डोरेमोन भी ब्लू है। और आपने डोरेमोन कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा, वेयर इज योर डोरेमोन? और ना मेरे बाबा का भी ब्रश ब्लू है। अच्छा प्यार से फ्रॉक भी ब्लू है। आपका फ्रॉक भी दिखाते हैं भाई, ये है बायना का फ्रॉक और ये बायना का फ्रॉक भी, और ये सॉक्स भी। ओ सॉक्स भी ब्लू है बायना की। वाह आज तो बायना ने फुल ब्लू ब्लू मैचिंग की। बायना किसने दिए लॉलीपॉप? टीथ देखे अपने कितने खराब हो रहे, अपनी जुबान दिखाओ दिखाओ क्यों नहीं बनवाओगे? छोटी सी बिल्ली तो आज हमने बनाने हैं रोजे के लिए समोसे। मैं डालूंगी अंडा और वो डालूंगी। अच्छा वो क्या होता है मुझे नहीं पता। चलो अंडा डालो इसमें, मैं तोड़ के दूं डालना और तेरी आराम से बनना थोड़ी लिए इसमें, रुको मैं निकालती हूँ। बस 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 चलो ये उधर डस्टबिन में फेंको। एक चम्मच चीनी डालेंगे, डालो चीनी। और थोड़ा सा लेंगे नमक, नमक को क्या कहते हैं सॉल्ट, नमक मेरा फेवरेट है सॉल्ट। ये मम्मा मैं डाल दूंगी। अब डालेंगे कॉर्न फ्लोर, मैदा, क्या है मैदा, यस मिक्स तो नहीं करोगी ना आप? इस रेसिपी में मैदा डाल के अंडा चीनी और नमक डाल भी सकते थे, लेकिन क्योंकि ये सबाइना ने बनानी थी तो इसलिए जो है ना पहले अंडा तोड़ के उसको मिक्स कर रही थी सबाइना चम्मच से। और सबाइना देखिए कह रही थी मामा चम्मच से ही मिक्स करते हैं, है ना? हाँ जी मैं यही कह रही थी। हाँ फिर मैंने कहा सबाइना को बेटा जी इधर दो ना, आपसे ये नहीं होगा क्योंकि इसे हमने आटे की तरह गूंदना है। और अभी सबाइना को मैं सिखाऊंगी, अगली दफ़ा ये सबाइना ऐसे ही गूंद के देगी, ठीक है सबाइना? फिर मैं इसमें दही डालना भूल गई थी, मैं दो चम्मच डाल दिया था दही, दही तो हमने ऐड ही नहीं किया था।
और यहाँ पे हमारा जो आटा है वो हो चुका है रेडी। अभी हम इसको रख देंगे और करेंगे चिकन की मैरिनेशन। जब मैंने दही में चिकन का एक चम्मच मैंने टिक्का मसाला डाला दही में, तो वीडियो जो है ना मेरी शूट ही नहीं हो रही थी और मुझे बाद में एहसास हुआ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था और टिक्का मसाला थोड़ा सा डाल लिया था और वो दही में डाल के, और फिर चिकन की थी मैरिनेशन। इसे रखा नहीं था ज़्यादा देर, मतलब 10-15 मिनट की बस मैरिनेशन की थी, तो टाइम शॉर्ट था। और उसके बाद हम इसमें ऑयल गर्म करके फ्राई पैन में डाल देंगे। अब बाइना मैडम का दिल था कि यहाँ पे वो भी जो है ना चिकन बनवाएं, लेकिन मैंने कहा अभी ऑयल का काम नहीं, बस इतना सा ही जितना आप करती हो बहुत है। और यहाँ पे ये पेड़े बना के, पेड़ा एक बड़ा सा बना के उसके बाद मैंने छोटे छोटे इसके कर लिए थे पीस, और ये ऐसे भी ठीक था। और क्या कहते हैं, उसके बाद बाइना मैडम भी आ गई थी, दीदी मामा मेरे से भी करवाएं, मेरे से भी करवाएं, थोड़ा ख़राब करके दे रही थी लेकिन करके दे रही थी। जब मैंने रोक दिया तो वो थोड़ी सी मेरे से हो गई नाराज़, और जो है ना मैंने जल्दी जल्दी करना था क्योंकि इफ्तार का टाइम आ रहा था करीब, और जल्दी से इसको करके हमने फिर रोज़ा भी इफ्तार करना था। लेकिन सवाइना मैडम कह रही थी बस हर काम मेरे सीख रहा है, हर काम मेरे सीख रहा है, मेरे सीख रहा है, ये लगी हुई थी। तो खैर ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है इसको बेल के बनाना, लेकिन इसके समोसों का जो मज़ा होता है वो इसी के ही होता है। यानी आप थोड़ी सी मेहनत तो कर लें, लेकिन ऐसे भी और कुछ लोग बड़ी रोटी बेल के जो दरमियान में ढक्कन से ऐसे गोल गोल कर लेते हैं वो भी ठीक है, लेकिन उसमें मुझे ऐसे लगता है कि ना उसमें मुझे भी टाइम, उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं ऐसे ज़्यादा लगता है कि वैसे ज़्यादा लगता है, लेकिन मुझे दोनों तरह ही लगता है कि टाइम लग रहा है। तो मैंने ऐसा काट के सिंगल सिंगल बना लिया आराम से, और फिर कांटे से भी एक दफ़ा इसको शेप दी थी ताकि ये खुले ना, और इस पर लगाया कुछ नहीं था, ये फ्रेश डो थी तो ये आराम से जो है ना जुड़ गई थी। और सबसे अच्छी इसकी बात ये थी कि एक भी, शुक्र है अल्लाह का, मेरा समोसा खुला नहीं, और ये हो गए हमारे समोसे बिल्कुल रेडी। ट्री सोसाइटी से पूछो आपने रोजा रखा है? रखा तो रोजा रखना तो अच्छी बात होती है, रोजा रखना तो अच्छी बात होती है, अगर रोजा नहीं रखा तो ये नहीं मिलेगा, अच्छी बात रखी नहीं, ठीक है तो फिर आ दूंगी। अब सवाइना इनको करेगी फ्राई और उसके बाद, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो ये आज है, अगर ये व्लॉग अच्छा और अमेजिंग लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चले अब हम लोग मिलते हैं ट्री सोसाइटी से। अब हमारा रोज़ा इफ्तार हो चुका है, हमारे समोसे भी तैयार हो चुके हैं, अरेबियन समोसे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, बाय बाय।